साउथ अमेरिका में दुनिया के दिल कहे जाने वाले अमेज़न जंगल की अहमियत से सभी वाकिफ हैं, मगर ये जंगल इंसानों से कहीं ज़्यादा जानवरों के वजूद के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन जंगलों में भरी पड़ी वाइल्ड लाइफ सांसें लेती हैं। इन्हीं जानवरों में एक है फूड चेन में सबसे आखिरी मुकाम रखने वाला सबसे बड़ा खूंखार जानवर, जैगुआर। जी हाँ, कैट फैमिली से बिलोंग करने वाला एक और खूंखार शिकारी, जैगुआर के तरह का शिकारी जानवर पूरे अमेज़न जंगलों में दूसरा कोई नहीं है। इसकी आहट भर से पूरा जंगल थर थर काँपने लगता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक्सलेंट हंटिंग स्किल के मालिक और अमेज़न के बेतज बादशाह जैगुआर के बारे में बात करने वाले हैं। उसके रुतबे, उसकी काबिलियत और उसके खौफ को करीब से समझने वाले हैं। साथ ही कई और खूंखार और अनोखे जानवरों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जैगुआर, यूं तो अमेज़न के जंगलों में विशाल एनाकोंडा, क्रोकोडाइल और पूमा जैसे कई खतरनाक जानवर बसते हैं, मगर जैगुआर इन सब में अलग ही रुतबा रखता है। इसके नुकीले दांत, मजबूत जबड़े और लचीले और फुर्तीले शरीर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन सारी खूबियों के साथ ही चुपचाप शिकार पर अचानक वार करने की इनकी कला इन्हें खौफनाक शिकारी बनाता है। अगर साइज की बात करें तो इनकी लेंथ होती है करीब 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक, वही वजन होता है करीब 60 केजी से 80 केजी तक, और इनका बाइट फोर्स की बात की जाए तो वो होता है करीब 200 PSI। अमेज़न रिवर डॉल्फिन। हालांकि अमेज़न पिंक रिवर डॉल्फिन अपने गुलाबी रंग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वो इस तरह से पैदा नहीं हुई थी। डॉल्फिन वास्तव में भूरे रंग के पैदा होते हैं और धीरे धीरे उम्र के रूप में गुलाबी हो जाते हैं। मेल डॉल्फिन अपने फीमेल समकक्षों की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से गुलाबी होते हैं। कलरेशन को किसी न किसी खेल पर विजय या लड़ने के परिणाम स्वरूप स्कार टिश्यू का उत्पाद माना जाता है। हालांकि उनका अंतिम रंग उनके बिहेवियर, कैपिलरी प्लेसमेंट, डाइट और सनलाइट के संपर्क से प्रभावित हो सकता है। महिलाओं का अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले चमकीले गुलाबी रंग के साथ ये रिवर डॉल्फिन कुछ गुलाबी स्पॉट्स के साथ ज़्यादातर ग्रे से लेकर फुल फ्लेमिंगो पिंक तक के चिन्हों को खेल सकते हैं। जब डॉल्फिन उत्तेजित हो जाती है तो वह मनुष्य की तरह एक चमकीले गुलाबी रंग को बहा सकती है। अमेज़न पिंक रिवर डॉल्फिन मीठे पानी की 5 प्रजातियों में से सबसे बड़ी और होशियार है। एक पूर्ण विकसित डॉल्फिन 9 फीट यानी कि 2.7 मीटर तक लंबी हो सकती है। वजन 400 पाउंड यानी कि 181 किलोग्राम तक हो सकती है और 30 साल तक जीवित रह सकती है। कैपिबारा। पूरी तरह से विकसित कैपिबारा 4 फीट लंबाई और 140 पाउंड वजन तक पहुंचता है। मादा नर से बड़ी होती है। अमेरिकी दलदल में तैरते हुए वो अपने भोजन को कुरेदते हैं। थोड़े मोटे नोट पर, ये लोग अपने भोजन से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स निकालने के लिए अपना खुद का गोबर खाते हैं, बिल्कुल खरगोशों की तरह। कैपिबारास अपनी सेमी एक्वाटिक लाइफस्टाइल के कारण हमेशा वाटर बॉडीज के पास रहते हुए पाए जा सकते हैं। कैपिबारास एक बार में 5 मिनट तक गोता लगा सकते हैं और पानी के भीतर रह सकते हैं। अक्सर अपनी नाक को किनारे पर रखते हुए पानी में सो जाते हैं। नदियों, मैंग्रोव और दलदल के किनारे झपकी लेने से उन्हें शांत रहने में मदद मिलती है। कैपिबारास बल्कि मुखर जानवर है। वो अपने आप को गड़गड़ाहट, भौंकने, गुदगुदी करना, सीटी बजाना, चीखना, रोना, गुर्राना और यहाँ तक कि दांतों से बकबक करना पसंद करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो क्या संवाद की करने की कोशिश कर रहे हैं। जायंट ओटर। इन्हें हिंदी में विशाल उद्मी कहा जाता है। इनके शरीर का आकार 6 फुट तक होता है। इनका वजन 40 केजी तक होता है। ये जायंट ओटर शेलफिश को पत्थर से तोड़कर खाते हैं और इनके मुंह में तेज और नुकीले दांत होते हैं जो शिकार को खाने में मदद करते हैं। इसके पंजे भी तेज होते हैं जिससे ये शिकार को दबोच लेता है। हार्पी ईगल। ईगल की प्रजाति में से सबसे बड़ी ईगल है। ब्राज़ील में हार्पी ईगल को शाही बाज के नाम से जाना जाता है। वातावरण के अनुसार बाज की लंबाई, वजन और आकार में वेरिएशन होते हैं। जंगली क्षेत्रों में रहने वाले बाज के पंख का विस्तार कम होता है, वहीं मैदानी और खुले क्षेत्र में रहने वाले बाज के पंख का विस्तार अधिक होता है।
बांस की सभी ज्ञात प्रजातियों की फीमेल मेल की तुलना में आकार से बड़ी होती है। मेल पार ईगल्स का वजन मादा से 25% कम होता है। साइंटिस्ट के अनुसार इस अंतर का एक कारण ये हो सकता है कि मेल और फीमेल ईगल घोंसलों के ड्यूटीज को डिवाइड करते हैं। फीमेल ईगल्स घोंसले के लिए सामग्री की व्यवस्था करने का बीड़ा उठाती है। आकार बड़ा होने से उन्हें ये काम संभालने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा वो मेल ईगल की तुलना में अंडे को सेने में लंबा समय व्यतीत करती है, इसलिए उनका बड़ा आकार अंडे के चोरों को डराने में सहायक हो सकता है। बाल ईगल को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उसका सिर का हिस्सा सफ़ेद होता है और बाकी हिस्सा भूरा। ईगल दिनचर है, इनका अर्थ है कि वो दिन के दौरान अधिक सक्रिय होते हैं और रात में सोते हैं। ईगल की आंखें वजन में उनके दिमाग से बड़ी होती हैं। ईगल की दृष्टि मनुष्य की तुलना में 4 से 8 गुना अधिक तीव्र होती है। साथ ही उनकी दृष्टि का क्षेत्र भी व्यापक होता है। ईगल 3.2 किलोमीटर दूर से ही खरगोश की टो ले लेता है। ईगल का वजन मात्र 4.5 किलोग्राम होता है, लेकिन उसकी आंखें आकार में मनुष्य की आंखों के आकार की ही होती है। ईगल में अल्ट्रावायलेट लाइट देख पाने की क्षमता होती है। ईगल की चोंच मनुष्य के बालों और नाखूनों की तरह टूटने के बाद भी फिर से उग सकती है। ऐसा इसमें पाया जाने वाला केराटिन के कारण संभव होता है। गोल्डन लैंड पेंगुइन छोटे प्राइमेट होते हैं जिनका नाम उनके सिर के चारों ओर चमकीले सुनहरे अयाल के लिए रखा जाता है, जो उनके काले शरीर के साथ तेजी से विपरीत होता है। वो अपना लगभग सारा समय रेन फॉरेस्ट की छतरियों में बिताते हैं, जहां वो मुख्य रूप से फल और कीड़ों को खाते हैं। गोल्डन लैंड टैमरिन एक प्रजनन जोड़ी और उनकी युवा संतानों के समूह में रहते हैं। भोजन के लिए चारा के रूप में व्यक्ति स्वरों के साथ संवाद करते हैं। गोल्डन लैंड टैमरिन अपचनीय फलों के बीज का सेवन करते हैं और फिर उन्हें शौच के दौरान नए स्थान पर जमा करते हैं, जिससे पौधे को रेन फॉरेस्ट में फैलने में मदद मिलती है। अडल्ट टेरिटोरियल हैं और अन्य टैमरिन्स को अपने अयाल को ऊपर उठाकर और अपने कोट को बड़ा दिखाने के लिए फुलाकर दूर भगाने का प्रयास करते हैं। वो अन्य टैमरिन्स के साथ बंधने के लिए लंबी कॉल का उपयोग करते हैं, संकेत देने के लिए क्लिक करते हैं और संपर्क करने के लिए कहराते हैं। ग्रीन इगुआना इगुआना 30 मिनट्स तक अपनी सांस रोक सकते हैं। तैरने से बचने के लिए वो अक्सर अपनी शक्तिशाली पूंछ का उपयोग करके पेट से पानी में कूद जाते हैं। वो बिना चोट के 40-50 फीट नीचे छलांग लगाने में भी सक्षम है। एक साथी को आकर्षित करने के लिए मैचुअल मेल ब्रीडिंग सीजन में नारंगी हो सकते हैं। अकाल के समय से बचने के लिए इगुआना अपने निचले जबड़े और गर्दन के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में फैट जमा करते हैं। उनकी गर्दन के बेस पर थैली को ड्यूलाप कहा जाता है और इसका उपयोग प्रदर्शन में किया जाता है। उनकी पूंछ ने वर्टेब्रा को कमजोर कर दिया है, इसलिए इगुआना मुक्त हो सकता है और पूंछ द्वारा पकड़े जाने पर बच सकता है। मकाओ साउथ अमेरिका के जंगलों में बहुत बड़े आकार के रंग बिरंगे तोते पाए जाते हैं। इन्हें मकाओ पैरट्स कहा जाता है। ये तोते इतने सुंदर और आकर्षित होते हैं कि कई लोग इन्हें पालतू बनाना पसंद करते हैं। लाल और नीले रंग के इतने बड़े आकार के तोते को उड़ते हुए देख सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये मनुष्य की आवाज़ की नकल भी कर सकता है। हालांकि इतने बड़े तोते को पालना आसान नहीं होता है। मकाओ पैरट्स का वजन 2 किलो तक हो सकता है। मकाओ पैरट्स दिन में सक्रिय होते हैं। ये सूरज की पहली किरण के साथ ही उड़ जाते हैं। मकाओ पैरट्स के रंग बिरंगे शरीर को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसके शरीर पर गहरे लाल नीले हरे और पीले पंख होते हैं। मकाओ पैरट्स की चोंच बहुत कठोर होती है, जिससे यह कड़े फलों को भी तोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी उंगलियों को भी चोट पहुँचा सकते हैं। पैरट्स के इन पंजे मजबूत पकड़ वाले होते हैं क्योंकि ये अक्सर पेड़ों पर और पहाड़ों की दलान के ऊपर लटकते रहते हैं। मकाओ पैरट्स अपने भोजन की तलाश में 15-20 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। ये अपनी भोजन की तलाश में सुबह ही निकल पड़ते हैं। तो इस अमेज़न जंगल के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए अलविदा।